What's up guys, this is Guru Man. यह strength mode meal number 2 जो कि आपका mid morning snack है 11:30 बजे और यहाँ पर मेरे पास ब्रेड के स्लाइस रेडी है, मैंने टोस्ट किए हुए हैं, 4 ब्रेड के स्लाइस है, साथ में मेरे पास है पीनट बटर, 2 चम्मच हम पीनट बटर के लेंगे, साथ में मेरे पास है लो फैट मिल्क मतलब दूध जिसके इसके अंदर कम फैट हो, नॉन फैट भी चलेगा, मतलब है कि आप जब डेयरी से दूध लेते हैं उस दूध को उबाल कर से मलाई निकाल दो, ठीक है। तो ये टोटली वेज मील है, आप देख सकते हैं इसमें कोई अंडे नहीं है, आपकी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो अंडे ऐड कर सकते हैं। तो 2 चम्मच पीनट बटर, पीनट बटर कोई भी ब्रांड का नेचुरल पीनट बटर हो, उसके इंग्रेडिएंट में सिर्फ पीनट ही लिखा हो, हाइड्रोजनर ऑयल वगैरह शुगर नहीं चाहिए, आपको ऑलरेडी मैं कई सालों से बताता आ रहा हूं। दूध डेयरी का चलेगा परफेक्ट, देयर इज नो इशू, कीप लो फैट एज पॉसिबल और होल ग्रेन ब्रेड। देखिए इसके अंदर जब प्रोटीन की बात करें लगभग 25 ग्राम के पास प्रोटीन है और कार्ब लगभग आपको 79 ग्राम कार्ब मिलेगी और फैट लगभग आपको यहां पर 22 ग्राम के पास मिलेगी क्योंकि दूध के अंदर फैट होगी, पीनट बटर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फैट। तो हम यहां पर 2 चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, ये आपने मिड मॉर्निंग स्नैक लेना है, आप अगर स्कूल कॉलेज जाते हैं बाहर काम पर जाते हैं तो साथ ले जाएं गुड इनफ, और इसको बाद में, या आप वहां पर टोस्टर है तो टोस्टर चलेगा, नहीं टोस्टर है तो वैसे बिना टोस्ट के भी काफी टेस्ट लगती है, जी हाँ बिना टोस्ट के भी बहुत ही टेस्ट लगती है ब्रेड, तो मैंने टोस्ट की हुई है तो क्रंची है। 2 चम्मच मेरा एस्टिमेट मैंने 2 के पास यूज किया है, उसके साथ हमारे पास 1 कप दूध, 240 से 300 ml दूध चलेगा। ये है हमारी सिंपल स्ट्रेट मील, हमारी जो कार्ब और प्रोटीन की जो रेशियो लगभग है इस टोटल ओवरऑल मील के अंदर वो 3:1:3 है, या 3:1 बोल लो, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन है तो 3 ग्राम कार्ब है, तो आपको ऑलरेडी मालूम है हम ऑलमोस्ट 150 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं इस प्लान के अंदर और हमारी कार्ब लगभग 450 ग्राम के पास है। तो स्ट्रेंथ मोड इट्स ऑल अबाउट हैविंग क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द डे, हर 2 से 3 घंटे के बाद, एंड देन लिफ्टिंग वेट हैवी वेट, स्ट्रेंथ तो गेन होगी, यू विल बी मोर बफ्ड, मेक सेंस, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, ओवर एंड आउट, स्ट्रेंथ मोड।